अगर पूरी ईमानदारी से कहें तो ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सेना में भर्ती तो होना चाहते हैं या थे, लेकिन सेना में शामिल होने लायक हिम्मत और साहस कभी नहीं जुटा पाते। वैसे देखा जाए तो सेना में भर्ती होना इतना आसान नहीं है। हालांकि जोश जोश में बहुत से लोग भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही होते हैं जो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं। दरअसल ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इतने कड़े बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि कमजोर लोग इसे पूरा ही ना कर पाए। दुनिया में कई तो इतने खतरनाक फोर्सेस मौजूद हैं कि इनमें शामिल होने का ख्याल भी रोंगटे खड़े कर सकता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की उन स्पेशल फोर्सेस के बारे में जिसमें भर्ती होना मौत को दावत देने के बराबर है। और इस वीडियो का अंत नहीं बल्कि वीडियो का एक एक सेकंड रोमांचक है, इसलिए पलके भी ना झपकाइएगा ताकि कोई रोमांचक क्षण छूट ना जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दोस्त जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले रोमांचक वीडियो उनसे मिस ना हो। चाइनाज पीपल्स लिब्रेशन आर्मी, दुनिया की सबसे बड़ी सेना में सैनिक बनने के लिए आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना पहली योग्यता है। अपने सैनिकों को सख्त बनाने के लिए चीन की सेना ने दुनिया के कुछ सबसे बेस्ट प्रोग्राम डिजाइन किए हैं। हर सैनिक को ट्रेनिंग के दौरान 17 चरण वाले बाधा कोर्स से गुजरना पड़ता है। इन बाधाओं में तैराकी, चढ़ाई, जलती हुई चीजों के ऊपर से कूदना, वजन उठाना और पैरों में वजन बांधकर चलना या दौड़ना शामिल है। इन सब बाधाओं में सैनिकों को बार बार इतना थकाया जाता है कि कुछ समय बाद ये थकान आम बात हो जाती है और उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है। अभ्यास में एक समय तो ट्रेनीज को पानी के अंदर एक मिनट तक रहना पड़ता है। यदि वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती फिर से डुबो दिया जाता है। इस तरह शरीर को ऑक्सीजन से वंचित करके और गंभीर दर्द से गुजर कर वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज, भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट कमांडो के नाम से मशहूर इस विशेष टुकड़े में शामिल होना सेना में करियर खोजने वाले हर नौजवान का सपना होता है। इसमें एंट्री लेने के लिए ट्रेनीज को बंगलोर के पास स्थित घने जंगलों में एक दिन का राशन पानी और निश्चित समय के अंदर बेस पर पहुंचने के दिशा निर्देश देकर छोड़ दिया जाता है। इसके आगे उनको स्वविवेक से जंगल के सभी खतरों का सामना करते हुए जल्दी से जल्दी बेस पर पहुँचना होता है। बता दे, ब्लैक कैट कमांडो बनने का क्रेज लोगों में इतना ज्यादा है कि बहुत से ट्रेनी सिलेक्शन ऑफिसर को इम्प्रेस करने के लिए अपना राशन भी खत्म नहीं करते हैं। इसमें एक और विवादास्पद ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें रिक्रूट्स को स्थानीय लोगों से पिटने को कहा जाता है ताकि उनका दृढ़ निश्चय परखा जा सके। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टेक्निक्स है जिन्हें कैंडिडेट्स पर लगातार आजमाया जाता है, और जो भी इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है उन्हें मौका मिलता है देश की सबसे प्रतिष्ठित स्पेशल फोर्स में सेवा करने का। रशियाज स्पेट्सनाज, रूस की सेना संपूर्ण विश्व में अपनी क्रूरता के लिए विख्यात है। ये सारी प्रतिष्ठा इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कमाई है। दरअसल 2002 में मॉस्को के एक थिएटर में 50 मुस्लिम चेचेन आतंकवादियों ने जब 912 लोगों को बंधक बनाया तो स्पेट्सनाज नामक स्पेशल फोर्स ने 50 आतंकवादियों को मारने के लिए 172 बंदूकों की जान की परवाह नहीं की। इस ऑपरेशन के बाद स्पेट्सनाज सारी दुनिया में अपनी बहादुरी और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध हो गए और लोगों में उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। स्पेट्सनाज के सैनिकों को रूस में बहुत सम्मान दिया जाता है क्योंकि इसमें सेलेक्ट होना और 5 साल की कड़ी ट्रेनिंग सफलता से पूरी कर लेना अपने आप में एक उपलब्धि माना जाता है। ट्रेनिंग के पहले 5 महीने तो कैंडिडेट्स को तबीयत से तोड़ा जाता है और फिर उन्हें नए सिरे से तैयार किया जाता है। सबसे खास बात है कि ट्रेनिंग के बाद इन पर कोई सीनियर अधिकारी नहीं बैठाया जाता बल्कि यही लोग अपना कमांडर चुनते हैं। यूएस नेवी सील, निश्चित तौर पर इस लिस्ट में रशियन स्पेट्सनाज के बाद यूएस नेवी सील सबसे ज्यादा फेमस है। नेवी सील सैकड़ों फिल्मों में केंद्रीय भूमिका में रहे हैं, खास करके आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारने के बाद। 2.5 साल की इस ट्रेनिंग में पहली 3 हफ्तों में एक हफ्ता हेल वीक यानी नर्क सप्ताह कहलाता है। सिर्फ 4 घंटे की कुल नींद के साथ लगातार रात दिन कसरत और ड्रिल्स करवाई जाती है, वो भी कीचड़ में लथपथ कंडीशन में। हर समय उनके ट्रेनर उनके सामने कॉफी और डोनट्स रखकर उन्हें छोड़कर जाने के लिए भड़काते रहते हैं। इस सारी ट्रेनिंग को सिर्फ 25% से कम कैंडिडेट से पूरा कर पाते हैं। बचे हुए लोगों को इसके बाद भी 2 साल की कड़ी लेकिन हेल वीक से थोड़ी आसान ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। बता दें, ट्रेनिंग के दौरान साल 2015 में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से डॉक्टर हमेशा साथ में रखा जाता है। यूनाइटेड किंगडम्स गुरखास,
नेपाली गुरखाओं और ब्रिटिश आर्मी के बीच 200 साल पुराना इतिहास है और यह रिश्ता आज भी बदस्तूर जारी है। हर साल ब्रिटिश आर्मी नेपाल के कोने कोने में जाकर रिक्रूटमेंट ड्राइव करके सबसे बेस्ट टैलेंट ढूंढकर निकालती है। नेपाल में युवक सालों तक इसकी तैयारियां करते हैं। उन्हें पता होता है कि एक बार इसमें चुन लिए जाने पर उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। भर्ती होने की प्रक्रिया इतनी सख्त होती है कि पहली बार में तो शायद ही किसी का चुनाव हुआ हो। ज्यादातर लड़के दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में ही सफल हो पाते हैं। कंपटीशन का लेवल इससे ही समझिए कि 2017 में 25,000 आवेदनों में से सिर्फ 230 लोगों को चुना गया था। गोरखा रंग रूट भर्ती होने के बाद 36 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, जिसमें ब्रिटेन की संस्कृति, अंग्रेजी भाषा पर भी जोर दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें राइफलमैन की 26 हफ्ते की एक और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके उन्हें ब्रिटिश सेना का हिस्सा माना जाता है। इन गुरखाओं की दिलेरी और वफादारी के सैकड़ों किस्से आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इजरायली शायतेत 13। साइज में नहीं, हौसले से फर्क पड़ता और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल। फिलिस्तीन के साथ उसके संबंधों के चलते दुनिया का सबसे विवादास्पद देश इजराइल अपनी जासूसी संस्था मोसाद के लिए वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो इनकी स्पेशल फोर्स शायतेत 13। इस फोर्स का बस दुनिया को नाम ही मालूम है, बाकी कोई नहीं जानता इसमें कौन है और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। पूरे इंटरनेट पर इस फोर्स को लेकर कोई भी ऑथेंटिक वीडियो मौजूद नहीं है। इसराइल में सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से सेना में ड्यूटी करनी होती है और कहा जाता है कि उसी दौरान सबसे बेहतरीन लोगों को चुना जाता है शायतेत 13 की 20 महीने की विशेष ट्रेनिंग के लिए। सबसे खास बात यह है कि इन रिक्रूट्स को ट्रेनिंग के दौरान ही असली मिशंस पर भेज दिया जाता है ताकि उन्हें वास्तविक खतरों का आभास हो सके। साउथ कोरियन स्पेशल वॉरफेयर कमांड। ठंड से मरने वाले लोगों को इन सैनिकों को बर्फ में इस तरह से कसरत करते हुए और मजे करते हुए देखना कुछ असहज लग सकता है, लेकिन दक्षिण कोरिया की विशेष वॉर कमांड में शामिल होने के लिए एक जरूरी अभ्यास है। प्योंगचांग के पास 10 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में रिक्रूट्स 0 से 22 डिग्री नीचे के तापमान और लगातार हो रही बर्फबारी के बीच वो व्यायाम और ढेरों अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें बर्फ के पानी में नहाना भी शामिल है। प्रशिक्षकों को यदि लगता है कि ठंड कम है तो उन पर अलग से बर्फ डलवाई जाती है। उन्हें विशेषकर जमी हुई बर्फ के ऊपर लेटकर निशानेबाजी का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे उन्हें निशानेबाजी के दौरान शरीर को स्थिर रखने की आदत हो सके। यूके स्पेशल एयर सर्विसेज। ब्रिटेन की SAS ट्रेनिंग 2013 में समाचारों की हेडलाइन बन गई थी, जब इसके 3 ट्रेनी क्रैग रॉबर्ट्स, एडवर्ड माहेर और जेम्स डनस्बी ट्रेनिंग के दौरान थकान से मर गए। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की माने तो 2001 से 2015 के बीच 125 ट्रेनी मर चुके हैं। इस असाधारण रूप से कठिन ट्रेनिंग के दौरान एंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति की सीमाएं नापकर ट्रेनीज को चुनने के लिए वेल्स के घने जंगलों में कहीं पर छोड़ दिया जाता है। वहां जानबूझकर उनकी परेशानियां बढ़ाने के लिए बिना नाप के कपड़े और जूते पहनने के लिए दिए जाते हैं। फिर उन्हें 27 किलो वजन और राइफल लेकर 20 घंटे के अंदर 45 किलोमीटर की दूरी तय करने को कहा जाता है, वो भी बिना खाने पीने और पानी की सिर्फ एक बोतल के सहारे। इतना ही नहीं, रास्ते में सशस्त्र सेना के जवान छुपे होते हैं जो इन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करते हैं। जो थोड़े बहुत लोग इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं उन्हें आधे घंटे के करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करनी होती है। निश्चित तौर पर ये सब करने वाला इंसान नहीं बल्कि उच्च श्रेणी के योद्धा ही हो सकते हैं। इनमें से किस देश की ट्रेनिंग आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी हमें कमेंट में बताइए। वैसे दोस्तों इनके अलावा भी ऐसे कई फोर्सेस हैं जिनकी ट्रेनिंग काफी खतरनाक होती है। अगर आप चाहते हैं हम इसका पार्ट 2 लेकर आए तो कमेंट में लिख डालिए, और अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक दे मारें। चलिए आज के लिए बस इतना ही।